हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि कल 1 फरवरी को भारत के वित्त मंत्री ने 2023-24 के लिए बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया, तो आज का हमारा लेसन प्लान है कि बजट के क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, और इस लेसन प्लान के तहत में जो मुख्य बिंदु है वह यह है कि भूमिका कि आखिर बजट क्या होता है, 2023-24 का जो बजट पेश किया गया है उसका विजन क्या है, मतलब दूरदृष्टि क्या है, तीसरा क्या क्या महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं, चौथा विभिन्न स्कीमों में क्या क्या एलोकेशंस या आवंटन दिए गए हैं, इनकम टैक्स में क्या कंसेशन किया गया है, और फाइनली कंक्लूजन। तो दोस्तों, बजट आखिर होता क्या है? बजट एक फिनेंशियल स्टेटमेंट है जो किसी भी सरकार के द्वारा यह बताया जाता है कि उसका प्रायोरिटीज क्या होगा, उसका दर्शन क्या होगा, अर्थात उसका विजन क्या होगा, और वह अगले एक साल में क्या क्या अपनी प्राथमिकताएं स्थापित करेगा। 2023-24 में जो बजट कल पेश किया गया था उसका मुख्य दर्शन क्या है, मतलब विजन क्या है? नंबर वन, आम नागरिकों को अवसर प्रदान करना और यूथ मतलब नौजवानों पर ज्यादा फोकस करना। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड अब हमारे देश के पक्ष में है और वह 2049 तक रहेगा। जो वर्किंग मैन पावर है, जिसको कि वर्ष 15 साल के आयु से लेकर 59 साल तक गणना की जाती है, उसमें अब हमारे देश में 69% लोग हैं, और यह एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है हमारी इकोनॉमी के लिए। तो इसीलिए बजट का जो विजन है कि यूथ पर फोकस रखते हुए आम नागरिकों को सुविधाओं में वृद्धि करना। नंबर दो, देश के ग्रोथ माने विकास दर को बढ़ाना, और जैसा कि आप जानते हैं कि 2023-24 के लिए वित्त मंत्री ने 6.5% ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया है, जो कि विश्व का सबसे ज्यादा तेज रफ्तार वाली इकोनॉमी अब हिंदुस्तान होगा। पहले यह चाइना होता था, चाइना की इकोनॉमी अब 4% से ज्यादा नहीं बढ़ रही है, लेकिन पिछले 30 साल में अर्थात 1980 से लेकर 2010 तक चाइना की इकोनॉमी 10% के रफ्तार से बढ़ी है, और इसी कारण से आज चाइना की इकोनॉमी का आकार $18 ट्रिलियन हो गया है। तो दूसरा जो विजन है वह यह है कि ग्रोथ मतलब हमारी इकोनॉमी कैसे द्रुत गति से बढ़े, और जॉब क्रिएशन मतलब अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सके, क्योंकि अब वर्क फोर्स में 69% पॉपुलेशन हमारे देश में शामिल है, और उन्हें जॉब देना एम्प्लॉयमेंट देना अनिवार्य है ताकि वह प्रोडक्टिविटी के हिस्सा बन सकें। और तीसरा विजन है अस्थाई और मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को सुदृढ़ करना। ये तीन विजन इस बजट के लिए निर्धारित किया गया है। दोस्तों, आखिर मुख्य क्या क्या प्राथमिकताएं इस बजट के हैं? तो 7 प्राथमिकताओं को चिन्हित किया गया है, और वो यह है इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब समावेशी विकास, दूसरा रीचिंग द लास्ट माइल मतलब निचले पायदान तक पहुंचना, तीसरा यूथ पावर नौजवानों की शक्ति को ज्यादा से ज्यादा विकास के कार्य में और इकोनॉमिक ग्रोथ में उपयोग करना, चौथा फाइनेंशियल सेक्टर को मजबूत करना, पांचवा ग्रीन ग्रोथ। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का लक्ष्य है कि 2070 तक उसे कार्बन न्यूट्रलिटी का लक्ष्य हासिल करना है, अर्थात अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी पर ज्यादा ध्यान देना है, और फॉसिल फ्यूल कार्बन से जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसको धीरे धीरे खत्म कर देना है। तो इसी के तहत में ग्रीन ग्रोथ को बढ़ावा देना, और उसके बारे में अभी हम डिटेल में बताएंगे। छठा है अनलिसिंग द पोटेंशियल, जो हमारा क्षमता है उसका अधिक से अधिक उपयोग करना, और सातवां इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना
को मजबूत करना और इसके लिए अधिक से अधिक निवेश करना, इन्वेस्टमेंट। ये 7 लक्ष्य या प्रायोरिटीज इस बजट के द्वारा स्थापित किए गए हैं। दोस्तों, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के तहत में कृषि और कोऑपरेटिव सेक्टर के विकास के लिए 20 लाख करोड़ एग्रीकल्चर क्रेडिट देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, ताकि एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज का विकास किया जा सके। दूसरा पॉइंट है कि स्टोरेज कैपेसिटी। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टोरेज कैपेसिटी के अभाव में हमारा बहुत सारा जो फूड प्रोडक्ट्स है वो बर्बाद हो जाता है, चूहे खा लेते हैं, तो सरकार का लक्ष्य है कि फूड स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाना। तीसरा लक्ष्य है कि मोटे अनाज माने मिलेट को अधिक से अधिक उत्पादन करना, जिससे कि हिंदुस्तान मोटे अनाज के उत्पादन में विश्व का पहला देश बन सके। और यह लक्ष्य क्यों निर्धारित किया गया है? क्योंकि दोस्तों, अभी भी हिंदुस्तान में 50 से लेकर 55% जमीन ऐसी है जो कि रेनफेड है, मतलब नॉन इरिगेटेड लैंड है, वर्षा पर निर्भर करते हैं। और ये मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, कुटकी, ये जो मोटे अनाज हैं, इनमें पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है उत्पादन के लिए। और इसीलिए भारत सरकार का लक्ष्य है कि मोटे अनाज का प्रोडक्शन हब हिंदुस्तान को बनाया जाए, खास करके दक्षिण भारत के इलाकों में जहां पर कि ग्राउंड वाटर नहीं है और रेनफेड एरिया है। और उसी तरह से हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को बढ़ावा देना भी इस बजट का लक्ष्य है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना में हॉर्टिकल्चर सेक्टर का एग्रीकल्चर में लगभग 40 से लेकर 45% हिस्सा होता है, लेकिन हमारे देश में अभी भी हॉर्टिकल्चर का हिस्सा मुश्किल से 20% है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम हॉर्टिकल्चर जैसे फ्रूट का उत्पादन करना, इसको अगर हम बढ़ावा देंगे तो निश्चित रूप से किसानों की आमदनी तेजी से बढ़ेगी। और इसी के साथ में कृषि का जीडीपी में हिस्सा भी ज्यादा बढ़ेगा। और जो कि सरकार का लक्ष्य है कि कम से कम 20% एग्रीकल्चर का जीडीपी में हिस्सा हो, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, 47% लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं। तो इसीलिए कृषि के आय को बढ़ाना जरूरी है। और कृषि को आय को बढ़ाने के लिए अगर हॉर्टिकल्चर सेक्टर को विशेष रूप से हम विकसित करते हैं तो इसका इफेक्ट आम जनता और किसानों पर जरूर होगा। उसी तरह से दोस्तों, हेल्थ सेक्टर के विकास के लिए गवर्नमेंट ने निर्णय किया कि 157 नर्सिंग कॉलेजेस खोले जाएंगे। सिकल सेल एनीमिया जो आदिवासी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा प्रचलन में है, उसको समाप्त करने के लिए विशेष प्रयास किया जाएगा। ज्वाइंट पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से ज्यादा से ज्यादा मेडिकल रिसर्च पर ध्यान दिया जाएगा और इसके लिए इंडियन मेडिकल काउंसिल रिसर्च को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा। शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है और इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किए जाएंगे। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बच्चों के लिए शुरुआत की जाएगी और पंचायत स्तर पर फिजिकल लाइब्रेरीज की शुरुआत भी की जाएगी। रीचिंग द लास्ट माइल माने निचले तबके तक पहुंचने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है और इसके लिए पहला प्रयास ये होगा कि कर्नाटक या अन्य इलाकों में जो कि ड्रॉट प्रोन एरिया है, वहां पर माइक्रो इरिगेशन की सुविधा प्रदान करना। दूसरा, 740 एकलव्य मॉडल स्कूल गवर्नमेंट के द्वारा खोले जाएंगे और उसमें अधिक से अधिक टीचरों की भर्ती की जाएगी। दोस्तों, सरकार ने 2 टायर और 3 टायर शहरों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी विशेष जोर देने का लक्ष्य स्थापित किया है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से और खास करके बुनियादी ढांचा में ज्यादा से ज्यादा लागत लगाने से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसी तरह से क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से 100 लैब 5G सेंटर के लिए खोले जाएंगे। उसी तरह से 3 स्पेशलाइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर भी सरकार के द्वारा खोला जाएगा। ई कोर्ट की स्थापना की जाएगी ताकि द्रुत गति से
जजमेंट का कार्य कोर्टों के द्वारा किया जा सके। इस बजट में ग्रीन ग्रोथ पर ज्यादा फोकस किया गया है और उसका मकसद यह है कि 500 नए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्लांट स्थापित किए जाएंगे फॉर द प्रमोशन ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करेगी कि फर्टिलाइजर्स के माने खाद के विकल्प के रूप में ऑर्गेनिक खाद को बढ़ावा दे। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर स्थापित किया जाएगा ताकि नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा सके। और उसी तरह से हमारे समुद्री किनारे मैनग्रोव प्लांटेशन को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि अगर मान लीजिए सुनामी आती है तो उससे कम से कम हमारे कोस्ट लाइन को नुकसान हो सके। सरकार ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2025-26 तक फिस्कल डिफिसिट को 4.5% किया जा सके। और उसी तरह से राज्य सरकारों को भी यह निर्देशित किया गया है कि 2.5% से ज्यादा फिस्कल डिफिसिट उसके टोटल सकल घरेलू उत्पाद से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस बजट में फार्मास्यूटिकल्स पर, जल जीवन मिशन पर, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल पर, इस वर्ष प्रधानमंत्री आवास योजना में 79,590 करोड़ रुपीस का प्रावधान किया गया है, जबकि पिछले वर्ष यह मात्र 48,000 करोड़ रुपया था। इस तरह से हम देखते हैं कि लगभग 66% ज्यादा आवंटन किया गया और सरकार को यह उम्मीद है कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, सीमेंट की खपत होगी, लोहा सरिया की खपत होगी, जो बिल्डिंग मटेरियल्स की खपत होगी और इन इंडस्ट्रीज में इजाफा होगा। सरकार का लक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने का है और इसी के लिए इसमें भी 5,172 करोड़ का आवंटन किया गया है। दोस्तों, मिडिल क्लास को कंसेशन देने के लिए अब एक नई इनकम टैक्स स्लैब निर्धारित किए गए हैं और 7,00,000 रुपए तक का जो सालाना आमदनी जिस व्यक्ति को है उसको अब टैक्स देना नहीं पड़ेगा। लेकिन पुराने पद्धति का इनकम टैक्स स्लैब जारी रहेगा। इससे यह फायदा होगा कि 90% लोग अब टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे। वैसे भी हिंदुस्तान में 2.5% लोग इनकम टैक्स पे ही हैं और इनकम टैक्स से हिंदुस्तान की सरकार को 15% राजस्व मिलता है। कंक्लूजन, आखिर निचोड़ क्या है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट में 10,00,000 करोड़ की बढ़ोतरी कही है जो पिछले साल से 33% ज्यादा है। हेल्थ सेक्टर में 13% का इजाफा किया गया है। अगर सीनियर सिटीजन 30,00,000 रुपीज जमा करते हैं तो उन्हें हर एक महीना 31,000 रुपया आमदनी होगा। तो कुल मिलाकर के बजट की मंशा है कि रोजगार के अवसर बढ़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात आधारभूत संरचना ज्यादा ज्यादा मजबूत हो और उससे आर्थिक क्रियाकलापों में तेजी आए। और दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आगामी वर्ष 2023-24 के लिए यह प्रोजेक्ट किया गया है कि रिसेशन मतलब मंदी आने वाला है, लेकिन सरकार ने यह प्रोजेक्ट किया है कि 2023-24 में हमारा जो ग्रोथ रेट रहेगा वो 6.5 रहेगा। पिछले साल यह 7% रहा है। अगर 6.5% ग्रोथ रेट रहता है तो वह विश्व के किसी भी इकोनॉमी से सबसे ज्यादा रफ्तार की इकोनॉमी होगी और हम विश्व मंदी को निश्चित रूप से मुकाबला कर सकेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2023-24 के लिए जो वर्ल्ड ग्रोथ रेट है उसे 2.9% प्रोजेक्ट किया गया है। ऐसी स्थिति में अगर हम 6.5% ग्रोथ रेट 2023-24 में प्राप्त कर लेते हैं और अगर हम इन्फ्लेशन को 6% से नीचे कर लेते हैं तो निश्चित रूप से रिसेशन को अर्थात मंदी को हम सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकते हैं और हमारा इकोनॉमी उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा। लेकिन विरोधी पक्ष के नेताओं ने इस बजट को बेरोजगारी समस्या को दूर करने के लिए कोई भी हल होना नहीं बताया और न ही इस बजट के द्वारा महंगाई में कमी किया जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि बजट में जो जिस प्रकार से आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा है
उससे निश्चित रूप से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा रहा, समय अभाव के कारण मैं डिटेल में और व्याख्या प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूं। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप जरूर बताएं। थैंक यू।